शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 8। अहंकार रहित व्यक्ति ही महान होता है। महाभारत का एक अनूठा प्रसंग है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं ही आपका सबसे बड़ा सेवक, भक्त और दानी हूं। श्री कृष्ण को आभास हो गया कि अर्जुन को इन गुणों का अहंकार हो गया है। ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का अंतिम दौर था। कौरव सेना धराशायी हो गई थी। युद्ध भूमि में कुछ योद्धा अंतिम सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधु का वेश बनाया, घायल अवस्था में पड़े कर्ण के पास जाकर कहा, हे कर्ण, हम तुम्हारे पास कुछ दान लेने के लिए आए हैं। कर्ण ने कहा, महाराज मैं तो इस समय आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं तो यहां युद्ध भूमि में अंतिम सांस ले रहा हूं। अच्छा बच्चा, क्या साधु तुम्हारे द्वार से खाली जाएगा? कर्ण ने कुछ विचार कर कहा, महाराज मेरे पास एक सोने का दांत है, मैं उसे तोड़कर आपको समर्पित करता हूं। जब दांत तोड़कर साधु की तरफ बढ़ाया तो वे रक्त रंजित था, जिसे देखकर साधु ने कहा, छी छी, हम ऐसा दान नहीं लेते, साधु किसी का खून नहीं करता। दानवीर कर्ण ने अपना आखिरी तीर छोड़ा और वे बाण दम दनाता हुआ मेघाच्छादित आसमान को चीरता हुआ चला गया और पानी की धारा बह निकली। दांत को धो दिया, साधु ने उसे स्वीकार किया कर लिया। अर्जुन का अहंकार दूर हो गया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस प्रसंग से हमें अपने कई गुणों की कमी को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। मेरे में गुण है परंतु किसी और में भी गुण है। अपने गुणों का अहंकार भी नहीं करना है, क्योंकि ये गुण भी ईश्वरीय देन है। ईश्वर ने सबको गुण दिए हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकते हैं, परंतु अपने गुणों का अहंकार करना भी हानिकारक है, दुखदायी बन जाता है। इसलिए वो कोई ना कोई अहंकारवश व्यवहार में गलती कर बैठता है, जिससे किसी दूसरे को दुख मिलता है। तो इस प्रकार की गलती ना हो, उसके लिए स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर वंडरफुल विधि युक्ति सिखा रहे। जिस परमात्मा की झलक देखने के लिए दुनिया तरस रही है, वो परमात्मा स्वयं आकर पढ़ा रहे हैं। आप भी उस परमपिता परमात्मा से सत्य ज्ञान लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।